हमारे साथ एकल आरोग्य सेविका विमला देवी जी हैं, जिनसे हम जानते हैं कि इस मिनी मेडिकल कैंप में ये लोगों को क्या क्या जानकारी देती है, कौन कौन सी दवाई देती हैं, साथ ही हिदायतें क्या क्या देती हैं। विमला जी, सबसे पहले तो ये जानिए, इस मेडिकल कैंप में क्या क्या इंक्लूड होता है, मतलब क्या क्या शामिल होता है? जैसे हम वजन चेक करते हैं और ऊंचाई लंबाई जांच करते हैं कि इनका ऊंचाई कितना है, लंबाई कितना है, उसी के अनुसार फिर बीपी चेक करते हैं, वजन करके फिर बीपी चेक करते हैं, बीपी चेक करने के बाद हीमोग्लोबिन हो गया, शुगर हो गया, और श्वसन दर इनका कितना, मतलब कि सांस 12 से 20 से अगर कम है तो कम है, अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा है, अगर 12 से 20 है तो नॉर्मल है। हाँ, तापमान चेक करते हैं। अगर जब इतना चेक करने के बाद मैंने उनका सारा डाटा अपने रजिस्टर में लिख कर फिर मोबाइल में ऐप करके फिर डॉक्टर के पास भेजते हैं, वहाँ से डॉक्टर पूरा जांच करके फिर वहाँ से वाउचर भेजते हैं हम लोग के पास मोबाइल द्वारा ही। तो उसमें मोबाइल से हम जिसका जांच किए रहते हैं उसी मरीज के पास भेज देते हैं, मतलब कि ऐप द्वारा। हाँ, समस्या है, ये सारी चीज़ें सिर्फ मोबाइल के थ्रू, ये छोटा सा मॉनिटर पूछ कर पूरा मोबाइल में भरते हैं, फिर वहाँ डॉक्टर जो लिख कर हमें देते हैं वो वाउचर हम उनके पास ले जाते हैं, उनको बताते हैं कि यही पर्ची ले जाकर वाउचर आप स्टोर में जाइए और दवा ले आकर खा लीजिए, उससे आपको ये लाभ मिलेगा कि जो गाँव की महिलाएँ के पास जैसे गरीब हैं, अगर डॉक्टर के पास तक नहीं पहुँच पा रही हैं, उन लोग के पास पैसे नहीं हैं, मजबूरी है, किसी भी चीज़ की समस्या है, तो उनको हम आयुर्वेदिक दवा बताते हैं। और डॉक्टर जो पर्ची भेजते हैं, जो कि उनको उतना जाने में पैसा लगता है, तो जांच करवाएंगे उनका पैसा लगेगा और जाएंगे भाड़ा लगेगा। आप कुछ पैसे वैसे लेती हैं या ये सारी चीज़ें निःशुल्क है? सारी चीज़ें निःशुल्क है, लेकिन भैया दो चीज़ का पैसा लगता है, इसलिए शुगर और हीमोग्लोबिन का पैसा लेते हैं, इसलिए स्टिक हम लेती हैं 50 रुपये शुगर का है, 70 रुपये हीमोग्लोबिन का है, इसलिए उसकी स्टिक जो है हम लोग को खरीदनी पड़ती है। तो कैसे कैसे लोग आते हैं, मतलब लोगों को बुलाना पड़ता है या फिर बताना पड़ता है कि हमने मेडिकल कैंप लगाया है, या लोग स्वतः खुद आते हैं? हम लोग जैसे उनको बता दिए दीवार, जैसे आपने आज दानापुर में कैंप लगाया। हाँ, तो यहाँ लोग कैसे जानते हैं कि आज यहाँ कैंप लगा है? हम लोग को हम पहले से बता दिए थे। हाँ, बताए हैं और दीवार लेखन किए, उन लोग से जा कर के मिले कि हम आरोग्य सेविका हैं और यहाँ पर आज निःशुल्क दवा देंगे, कैंप लगाएंगे, आपको जिसकी ज़रूरत है आकर ले लीजिए। तो वो लोग आते हैं, अपनी समस्या बताते हैं, उनकी समस्या का समाधान आरोग्य सेविका पूरी करती हैं। ये जो दवाएं हैं आपने बनाया हुआ है, जैसे ये है गैस की दवा। हाँ, तो ये आयुर्वेदिक दवा है ये? हाँ, ये आयुर्वेदिक। तो इसको कैसे आपने खुद बनाया है या फिर जो एकल की टीम है वहाँ से बन के आई है? नहीं भैया, हम लोग अपने से बनाते हैं। जो इसमें क्या क्या आपने मिलाया? इसमें अजवाइन है, काला नमक है, सूखी धनिया है और मेथी है, और मतलब इसी को हम उसको मतलब चूर बना लिए, आंवला का भी चूर इसमें मिलाए हैं, चूरन बनाकर और शीशे में पैक करके बेचते हैं। इसको उस बासी मुहे भैया खाना खाने के बाद ही थोड़ा सा खाकर पानी पी लेंगे तो जो गैस बनाता है पेट में वो बिल्कुल मतलब ठीक हो जाएगा। सारी चीज़ अभी हमने एक शुगर की भी दवा देखी थी, आपने शुगर की भी दवा रखी है, ये शुगर की दवा रखी है, तो इसको कैसे बनाया आपने? क्योंकि शुगर सबसे आम बीमारी आज भारतीय लोगों में, चाहे शहर में हो, गांव में हो, शुगर और बीपी एक आम बीमारी हो, तो इस शुगर की दवा है भैया। जैसे भूना चला हो गया, भूना और मेथी हो गई, अजवाइन हो गया और नीम की पत्ती, उसी की मात्रा अनुसार नीम की पत्ती हो गई, उसको पत्ती को धूप में नहीं सुखाएंगे, छांव में सुखा लिए। अगर जैसे आजकल बारिश का मौसम है, अगर हम नहीं वो धूप मतलब छांव में नहीं सूख पा रहा है तो उसको कढ़ाई में थोड़ा बिल्कुल धीमा आँच करके उसको पत्ती को टाइट कर लेंगे और बेल की पत्ती उसी की मात्रा अनुसार बेल की पत्ती भी ले लेंगे, फिर उसको सब मिक्स करके चूरन बना लेंगे, चूरन बना करके उसमें हम देते हैं और बासी मुँह इसको खाकर पानी पी लीजिए तो गैस को बहुत ही उसका शुगर का बहुत ही आराम मिलता है। बेहद कारगर है कि ये सारी आयुर्वेदिक चीज़ें हैं? हाँ, सारी आयुर्वेदिक चीज़ें हैं और ये आराम भी मिलता है। जो लोग बहुत लोग गांव के लोग करते भी हैं, जो कि कहीं हर एक जगह स्टोर में गए और डॉक्टर में गए, हॉस्पिटल में गए, जो कि सारी दवा करके हार गए, जो कि हम लोग की आयुर्वेदिक दवा से उनको फ़ायदा मिला। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, तो ये थी एकल की आरोग्य सेविका विमला जी, जिन्होंने बताया कि कैसे ये गांव में जा जाकर उन लोगों की सहायता कर सकते हैं जिनके पास न साधन है, संसाधन है, वो न प्राइवेट हॉस्पिटल तो छोड़िए सरकारी अस्पताल तक भी नहीं जा पाते, उनको ये आरोग्य के बारे में बता रही है, साथ ही साथ आयुर्वेदिक दवाइयों के माध्यम से उनका इलाज भी कर रही है।